Hello everyone, today we are going to discuss respiratory system. Respiratory system जो है class 11th की NCERT में chapter number 17 है, जिसका नाम है breathing and exchange of gases. सबसे पहले तो आप हमें ये बता दो कि simple भाषा में कि respiratory system का मतलब क्या है respiration का. तो simple भाषा में कहें कि जो oxygen है O2 जो है वो body के अंदर जाएगा और CO2 जो है वो बॉडी के बाहर जाएगा. सिंपल भाषा में रेस्पिरेशन का मतलब ये है. जैसे ये देखो, ये बॉडी हो गई, ये लंग हो गया, इसमें O2 अंदर आया और बॉडी से CO2 बाहर चला गया. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब आप समझ गए सिंपल भाषा में कि O2 अंदर आएगा, CO2 बाहर जाएगा. तो हम देख लेते हैं इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम में. हम बेसिकली 6 टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे. पहला कौन सा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में डिस्कस करेंगे. इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा कि पाथवे आएगा, पाथवे ऑफ एयरवेज आएगा, जैसे ट्रेकिया हो गया, ब्रोंकाई हो गई, लंग्स हो गया, लंग्स का स्ट्रक्चर हो गया, प्लूरा कौन सा है, विजरा प्लूरा कौन सा है, ये लंग वगैरह के स्ट्रक्चर आ जाएंगे, वो हम पढ़ेंगे. बेसिकली एनाटॉमी पढ़ेंगे इसमें, रेस्पिरेटरी ऑर्गन में हम बेसिकली एनाटॉमी पढ़ेंगे. मैकेनिज्म ऑफ, फिर सेकंड नंबर पे है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग. इसमें हम क्या पढ़ेंगे, बेसिकली इन्हेलेशन क्या है, एक्सेलेशन क्या है, वही मतलब इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन क्या है, इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे. फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस में क्या पढ़ेंगे कि एल्वियोली और ब्लड वेजल्स में कैसे ये एक्सचेंज होगा, जैसे डिफ्यूजन के थ्रू होता है ना, तो गैसेस कैसे एक्सचेंज करेंगे, उसमें एल्वियोली का स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ेंगे. तो उसमें देखेंगे कैसे ब्लड वेजल में गैस पास हो रही है. फिर हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में. ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में क्या हुआ कि जैसे हमने गैस ऑक्सीजन वगैरह एक्सचेंज तो कर लिया एल्वियोली से, बट वो पूरे बॉडी में जाएगा कैसे, तो ऑक्सीजन कैसे जाएगा, CO2 कैसे जाएगा, इसका मेनली ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है ना, जैसे हम बस कार वगैरह लेते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो वैसे ही एल्वियोली से जब गैस ऑक्सीजन वगैरह आ जाएगा ब्लड वेसल में, तो ये पूरी बॉडी में कैसे पहुंचेगा ये हम देखेंगे. फिर पांचवें नंबर पे हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ पे है, कौन रेगुलेट करता है. कभी आपने देखा है कि आपकी सांसें बहुत तेज़ तेज चलने लगती हैं, कभी बहुत धीमी हो जाती हैं, तो बेसिकली इसके बारे में, रेगुलेशन के बारे में पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के. फिर छठा जो है वो हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. इसमें क्या पढ़ेंगे, जैसे अस्थमा वगैरह हो गया, इम्फाइसेमा हो गया. ये टॉपिक काफ़ी उन बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगी जो बच्चे सुट्टा पीते हैं. सुट्टा मतलब क्या हो गया, सिगरेट, बीड़ी, जो किसी भी तरीके का नशा करते हैं जो कि गैसियस फॉर्म में जाता है बॉडी में, तो वो लोग थोड़ा ज़्यादा जोर लगा के इस पर ध्यान देंगे. शायद उनके एग्ज़ाम में तो काम आएगा ही, प्लस उनके लिए भी काम आएगा. तो हम रेस्पिरेटरी, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ने से पहले हम एक चीज़, बेसिक चीज़ जान लेते हैं कि जैसे हमें पता है कि सभी एनिमल में अलग तरीके का ऑर्गन होता है, सब में स्पेशल ऑर्गन होता है रेस्पिरेशन के लिए. जैसे हमारे में क्या है, हमारे में लंग्स है, वैसे ही हर एनिमल में अलग होता है, स्पेशल ऑर्गन होता है. तो थोड़ा सा ये देख लें, ये वाला टॉपिक क्या है कि आपके रेस्पिरेशन के अलावा भी यूजफुल होगा. जब इससे क्वेश्चन आएंगे एनिमल किंगडम वगैरह से क्वेश्चन आते हैं ना, तो ये उसमें भी आपको हेल्प देगा, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना. तो हम बेसिकली क्या देखेंगे कि मोड ऑफ रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, और उसके एग्जांपल किस एनिमल्स में, किस फाइलम में कौन सा ऑर्गन वगैरह है. तो चलो स्टार्ट करते हैं, मोड ऑफ रेस्पिरेशन देख लेते हैं. पहला कौन है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. तो जब क्यूटेनियस रेस्पिरेशन है तो इसमें ऑर्गन कौन सा इन्वॉल्व होगा, जैसे हमारे में लंग होता है तो वैसे इन एनिमल्स में स्किन इन्वॉल्व होगा. तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्यूटेनियस, क्वेश्चन कैसे आता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन में स्किन ऑर्गन कौन सा, सॉरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा होगा, तो स्किन होगा. तो आओ इसका एग्जांपल देख लेते हैं. देखो स्किन वाले में क्या होता है ना कि ये बेसिकली सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू आता है, सिंपल डिफ्यूजन ऑफ गैसियस कंसनट्रेशन के हिसाब से इनमें
गैस एक्सचेंज होती है। तो इसके एग्जांपल हैं जो सिंपलर एनिमल हैं, जैसे पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, फ्लैट वर्म हो गया। ये कहाँ से? ये थ्रू बॉडी सरफेस, इनके बॉडी के ऊपर से ही अंदर गैस अंदर आएगी बाहर जाएगी, O2 अंदर आएगा, CO2 बाहर जाएगा, तो ये थ्रू बॉडी सरफेस से करेंगे। फिर दूसरा क्या है, मोइस्ट क्यूटिकल। क्यूटिकल मीन्स आप स्किन ही मान लो, मोइस्ट स्किन या मोइस्ट क्यूटिकल। देखो स्किन क्या है कि हम लोगों जो जो ऑर्गेनिज्म अपर हायरार्की में हैं उनमें क्या होती है, स्किन थोड़ी हार्ड होती है। क्यूटिकल कह सकते हो बहुत सॉफ्ट जैसे स्किन, जैसे आपने अर्थवॉर्म देखा है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे स्किन ना यूज करके क्यूटिकल यूज कर रहे हैं। तो मोइस्ट हमेशा गीली रहेगी, कभी अर्थवॉर्म को देखो तो वो हमेशा गीला गीला सा रहता है ना, तो अर्थवॉर्म जो है वो कैसा करेगा, मोइस्ट क्यूटिकल के थ्रू करेगा। रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या बोलोगे, स्किन होगा, और मोड ऑफ रेस्पिरेशन उसका क्या है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन है। फिर मोइस्ट स्किन का और क्या है, एम्फीबियंस, आपने फ्रॉग देखा होगा, तो फ्रॉग किससे करता है, मोइस्ट स्किन से, और मोड ऑफ रेस्पिरेशन उसका क्या होगा, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होगा। तो इनमें कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता, जो स्किन के थ्रू होंगे इसमें कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होगा, स्किन के ही थ्रू गैस जो है वो अंदर आएगी बाहर जाएगी। तो ये हुआ हमारा क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। अब नंबर दो पे हम देखते हैं ट्रेकियल रेस्पिरेशन। ट्रेकियल रेस्पिरेशन का एग्जांपल आप ध्यान करो, ऑर्थोपोड्स, कॉकरोच आपने पढ़ा होगा। तो इसमें क्या होता है, ये स्पायरेकल्स होते हैं। स्पायरेकल्स का मतलब क्या हुआ कि देखो जैसे ये कॉकरोच हो गया ना, तो उसकी बॉडी पे पोर्स होते हैं, अप्रोक्स 10 पेयर आई थिंक होते हैं, 10 या 12 पेयर होते हैं। तो स्पायरेकल्स मतलब बॉडी पे ही होल बने होते हैं, उसी के थ्रू गैस एक्सचेंज होती है कॉकरोच में, तो उसी को स्पायरेकल स्पेशल नाम दे दिया गया है। तो ये ट्रेकियल रिस्पायरेशन का एग्जांपल हो गया। फिर देखते हैं ब्रोंकियल रिस्पायरेशन, गिल्स, आप सबको पता है गिल्स किस में होता है, फिश, जो एक्वेटिक एनिमल होंगे वो किससे रिस्पिरेशन करते हैं, थ्रू गिल्स करते हैं। तो मोलस्का हो गया, मोलस्का का एनिमल कौन सा है, एग्जांपल बताओ, स्नेल वगैरह हो गया ना, और फिश, तो ये गिल्स के थ्रू करते हैं, लेकिन इनका मोड ऑफ रेस्पिरेशन क्या है, ब्रोंकियल रेस्पिरेशन। फिर जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट, जो हमारा टॉपिक ही इस पे होने वाला है, वो कौन सा है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। पल्मोनरी से आपको पता चल रहा होगा लंग्स, तो इनका ऑर्गन क्या होगा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होगा, लंग्स होगा। इनमें कौन से एनिमल आएंगे, जो सारे एनिमल लैंड्स में रहते हैं, जो वर्टिब्रेट एनिमल जो लैंड में रहते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल, तो उसमें ह्यूमन भी आ जाता है ना, ह्यूमन भी एक सोशल एनिमल ही है, तो इसमें क्या होगा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, लंग्स होगा। और ये कैसा मोड ऑफ रेस्पिरेशन है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन है। तो ये चार टाइप के हुए, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ट्रेकियल रेस्पिरेशन, ब्रोंकियल रेस्पिरेशन और पल्मोनरी रेस्पिरेशन। रेस्पिरेटरी ऑर्गन, स्किन, स्पायरेकल्स, गिल्स और लंग्स। तो हम आगे देखेंगे बेसिकली ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये हुआ हमारा बेसिक, ये आपको एनिमल किंगडम के भी क्वेश्चन सॉल्व कराने में हेल्प कर देगा यहाँ पे।